तो जय 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 गिरजा सुवन और सिद्ध करो मम काज। आज सभा के बीचों में सुराखो मेरी लाज। अजा सहेली ता सुरख और ता जननी भरतार। ताके सुत के मित्र को सुमेरी विनती बारंबार। हाँ मेरे बंधुओं, और आपको ये हंसी का खजाना यानी देहाती चुटकुले सुनाने के लिए जा रहे हैं। हमारी कैसेट के प्रस्तुतिकर्ता हैं नेमीचंद कुशवाहा, और ढोलक बजा रहे हैं पप्पू उस्ताद, चिमटा बजा रहे हैं भाई मुकेश, और घड़ा बजा रहे हैं गिरिराज सिंह, और गायक आपके जाने पहचाने सवर सिंह यादव। तो देखिए, चटकोला मैंने आपके लिए बेहद फरमाइश पर कहां से लिए हैं और किस तरीके से। भैया भैया एक गांव में पप्पू और मुखिया रहते। मुखिया बड़ी पैसे वाली पार्टी हती, तो उनके पास एक लड़का हो। मुखिया जी सोचन लगे कि लड़का की शादी में तो अगर 1,00,000 रुपया मिले तो काम बहुत ही बढ़िया रहे। लेकिन भयो का भैया, एक दूसरी पार्टी आई और बिन्ने पूछी, मुखिया जी अपने लड़का को ब्याह कर लेंगे? बोले हाँ भैया ब्याह तो कर लेंगे, लेकिन ये बताओ हमारी डिमांड तगड़ी है। बोले कैसी? कि 1,00,000 रुपया तो कैश चाहिए। लड़की बाव बोलो कि 1,00,000 रुपया तो हम दे देंगे, लेकिन लड़की देखे हुए तो नहीं जाओगे? बोले हमें लड़की तो को मतलब ना, बाकी लड़की रह कहानी। आहा, मुखिया जी बोले कि जी बताओ लड़की कारी तो ना ने? वो बोलो कि कारी तो है ना, थोड़ी सामरी है थोड़ी। मुखिया जी कह लगे सामरी है ताके बदले में हम 1,00,000 ते कछु और लेंगे। बोले कहा लेंगे तो कैसे बता रहे मुखिया जी? अरे कारी तेरी छोरी मालू को मेरो लौंडा, कारी तेरी छोरी मालू को मेरो लौंडा। हाय 1,00,000 रुपया, सुनो भैया, हाय 1,00,000 रुपया ओ गाड़ी हीरो होंडा। एक लाख रुपया ओ गाड़ी हीरो होंडा। हाँ, कहने लगे भैया 1,00,000 रुपया और एक हीरो होंडा ब्याज कैसी हो ले ले सामरी तासो लड़की। बोले ठीक है, तो संबंध पक्को है वो पप्पू, और संबंध पक्को हैवे के बाद में ब्याह के रह गए कुल 3 महीना। नेमीचंद 3 महीना ते पहले का भयो पीरी चिट्ठी वगैरह आएगी, लेकिन तब तक का भयो के बाद लड़के करे आप नीचे नीचे मारेगी फालिस। हाथ पाए है गए टेढ़े मेढ़े, ऐसा ईख में गन्ना देखो तुमने, टटोंगियां सी है जाते कि तपो एक भी तपो। अब भैया मुखिया जी सोचन लगे कि बहन चुच्ची बोरा पायो, 1,00,000 रुपया मारे गए, लड़का ब्याह को रहेगो। बे गए दलालन के ढंग, बोले भैया हम तुम्हें 5,000 रुपया दें तो हमारे लड़का को ब्याह कर लाओ। दलाल बोले कि ले जो को बड़ी बात है, अब ब्याह तो हम कर लावेंगे, लेकिन लड़का को कपड़ा जैसे हम कहेंगे तैसे बनवाए जाएंगे। बोले भैया कैसे? तो आपने देखे होंगे भैया आजकल लोग बाग पहन रहे हैं नौजवान भैया बैगी पेंट ढीले मीले, तामे ना मालूम कि एक गुड़ घुसा हुआ कि दो गुड़ घुसे हैं, ऐसे पेंट और ढीली मीली शर्ट। दूल्हा का बनवा ली पोसा, और दूल्हा बनाए लो और 3 व्हीलर में बीच में बैठा लो। तो एक दलाल ने तो इतक को पाए कर ले, एक ने बालंग थे अपनो एक कर लो, और बाकी पाए तो टूनला तने को जाई रहे। अब साहब बराते लेके और पहुंच गए। अल्लाह भयो के कानी मोड़ी की बरात आएगी, बरात आएगी। जब अगमानी भई बरात की, दरवाजे पे लेके पहुंचे बरात, पंडित जी महाराज बोले कि लाओ दूल्हा नीचे उतार के। भैया नाई ठाकुर जो गए बोले लड़का उतारो बारोटी होगी। दलाल बोले कि जी रीते हमारे जाना आते, तो तुम्हारे जा कैसी रीति है? कि छोरी ये भेज दो
और माला डाल दी। आय हाय भैया, अब दलाल ने ऐसे कह दी तो लड़की वाले मालम परी, लड़की वाले ने की भेंचू मेरी मोड़ी कानी है जिन्हें मालम परी गई तो वरा से लौटा ले जाएंगे। ऐसा करो कि माला ही लेके लड़की भेज दो। आह लड़की कानी थोड़ो सो घूंघट मारे के दो चार सहेली ने लेके संग में आई और झट माला डाल दी। जो लड़की ने दूल्हा देखो बिने का माले में जाके हाथ पांव टूल रहा तनखो में बे तो सकले देख के करी वो बारी कानी का बोलिए। एक कानी कनूटी रमजानी बारी कानी, एक कानी कनूटी रमजानी आए तेने दूला लूट लयो हम जानी, तेने दूला लूट लयो हम जानी। एक कानी कनूटी रमजानी आए तेने दूला, हाय तेने दूला लूट लयो हम जानी, तेने दूला लूट लयो हम जानी। भैया बेकरी के कानी कनूटी रमजानी तेने दूला लूट लो हम जानी, एगो दलाल कह लगो डट जाओ रे मोज लते ब्याह फटेगो। हानी काए गोरे कछुआ सन लगे बोले ए डट जा, क्या बात है कि तुम्हारे फूट गए हैं? सांप कह रही है कि कानी कनूटी रमजानी तो दूल्हा लूट लो मजानी, एक कह लो मजा चुप रहे वो कानी है तो जाओगे तो हाथ पाए बहन जो दिल्ली तक को जा रहे हैं। हाँ कि ऐसा कर तू नेक जा ढोलक है मोह दिब्बा दे। मानी कहा है भैया ने मोह गवा गवा चढ़ी गया हूँ गावे, बोले चुप रहे तू कचूना गा ले तो कह वाह गावे वो चो नहीं, मैंने कई बड़े बड़े गवैये नहीं सोबत करी है। जट भैया ढोलक मांग ली औरत ने पे हो दलाल ने ढोलक दल ली घोंट ने पो बुके तो कह नहीं कानी कनूटी रमजानी और तेरा दूला लूट लो मजानी। और दलाल का कह रहा हो पप्पू के कानी तो कन्नी खानी, वो कह रहा हो कि कानी तो करके खाऊ लेगी और जब मेहमान सिंह को कहा लो है चौक बा को एक ही लंग को बाजारो बंद है वो तो एक ही लंग के बजाते पो कर खागी, लेकिन जाको का आलू है। कानी तो कन्नी खानी और जो ठाड़ो ही कल्ले तब जानी, जय ठाड़ो ही कल्ले तब जानी। कह रहो दलाल के कानी तो करके खा लेगी लेकर जा मेहमान सिंह ठाड़ो ही कर लो गेहूं को तो बिजू का वैसे ही डरो। एक कानी तो कानी खानी जय ठाड़ोई है, जय ठाड़ोई है, जय ठाड़ोई कर ले तब जानी। भैया जो ऐसे हल्ला भो तो जट लड़की बात चलो आसमान झक झोरा देगा जो मेहमान सिंह ठाड़े करे सो भैया ने गदा के से कान नीचे गोड़ लड़क के दूर हुए बरात लौट आई भैया ब्याह फटेगो। यार तुम भेजा सो तो यार ऐसी बात है ऐसा मत यार। अरे ओ भैया देखो अब आगे तुम बोल रहे हैं चलना एक किस्सा में के भैया तुम जानते हमारे देश में दो चीज सुगत ज्यादा है, वैसे तो शराब ज्यादा महत्व रख रही लेकिन एक चीज मानक चंद बहुत ज्यादा है। कौन सी? नेता। नेता ऐसा समझ लो नेता जी बोल रहा भाई देंगे का उन्हें कहिए कि देश परेशान नेतों से और बाप परेशान बेटों से। तो भैया एक नेता जी रहे नेता जी बिन पे काम जो रहे गुप्ता जी कभी ठगिया ही करे बकरे नी लगाए ली धोती में और धोती पकड़ ली हाथों में बाजार में कड़ गए काऊ को लोन कराए रहे हैं काऊ की बिजली को बिलो बन सुधरवाए रहे हैं काऊ को पंचायत टोर रहे हैं और भाई सौ दो से ठग लाए संजाओ घरे आए गए। एक दिन घरवाई कह लगी कि सुन तो, बोले काहे
के संक्रांत लगती है रज और कछु इल्लो गरम है इतना नहीं हो तो कहूँ ठगिया ही कर ला। नेहताजी बोले के मैं ना छोड़ो को बिगड़ ठगे सहयोग ठगे डारे मानित तो के तू कह दे तो थोड़ी सी दूर पे समझ आना और वो तू कह समझी और ठगला। बोले चले जाओ तो आप भयो का भैया नी लगाओ लगा तो पड़ता पहला धोती ना तो नीचे अंडर भी है ना बनिया चौंक बिने बगा रे आ नेहताजी बन ठन के चंद घरवाई से कह लगे सुने रात को आवे तो किबार मत खून दीजिए चौंक भूत को जा डर गड्ढ के सारे पो घर हुए। बोले तुम जाओ चिंता मत करो और होनी किबार खुलेंगे। अब नेताजी साहब चंदे समध्या ने पहुंचे ऐसे कुछ 4 बजे खन आवाज लगाई आह समधी साहब तो थे नहीं और समध ने किवार के बगल में आके खड़ी है गई हो आह ये कहाँ के घूंघट में थे जो देखो। बोले आह नेताजी इशारो करन लगी और कहा बोली ए तबई समझ ने बोला न लागी नेताजी सुनियो बचन हमार अरे समदी तो त्यारे घर हत नाने बे तो गए है जमुना पार अरे समदी तो त्यारे घर हत नाने बे तो गए है जमुना पार जो भैया जमुना पार को नाव लो समधिन ने नेताजी की धोती ढीली है गई। नेताजी सोच लगे थे जो ता कबीर मठा को गए बा भैंस पड़ा दो मरे गए तो शर्म की सौदा समधिन ने कहा करो एक खात बिछाए दई है जो द्वारे पे नेता बैठ गयो तो हरवाए अरे दरे में माथे पे हाथ बैठ गयो और नेता मन में करे विचार आज नेताजी माथे पे हाथ रख के बैठ गए सोच लगे कि भगवान अब क्या करें। लेकिन याद रखियो भैया बे बिनते ज्यादा नंगा है चूंकि बे तो गई ठगिया ही करवे लेकिन मां नंगपनो बिल्कुल नहीं। नेताजी तो मेरे द्वार पे और समझ ने भीतर सोच नहीं कि अब नेताजी आदमी बड़ी बड़ी पार्टी अटेंड करता होंगे जिन्हें कोई स्टैंडर खानो पीनो चाहिए ओ माँ हिलो नहीं बाजर उनको अब बेचे यार पारो परोस में गई काऊ ने भाई आधी किलो आटो गेहूं को नहीं दो पप्पू मैं बड़ी चालाक बांध सोचने लगी कि अब हिलो तो बैसे हूं ना ला नेताजी थे मजाक ही कर लो ने आए हाय बाने का घी को पुरानो कूलरा कहूं तो ढूंढो माँ घी तो हतो नहीं चीकनो पड़ो को मुद्दत पुरान और चूल्हे में गाड़ दा ऊपर तिबरा दे यहाँ तो जो घी की पिलगन है शुरू भई और खसबई मारी तो नेताजी की खटिया टोर डाल के बाहर ही समझे देसी घी में पूरी कर रही वाह आ हा भैया ओ जब रात के 10-11 बज गए माह को महीना सीरी सीरी ब्याज चले तो नेताजी ने 3 को अक्षर बने जाए जब 10-11 बज गए तो आई समझन और कहा बोली नेताजी बोले हाँ वो ऐसा हुए चलो खानो खा लो। नेताजी कहने लगे हम तो बड़ी देर से देख रहे पेट में जी पिलोट से कट रहे भूख के मारे कहने तो चलो आ जो नेताजी खटिया में ठाड़े हुए समझ गए सुनो सुनो बैठ जाओ। बोले काए आ हा कैसे समझ आ रही है एक नेता तो समझ आऊंगी कह रही है समझे सारी समझे ने हाय एक नेता तुम्हें समझ आऊंगी और पहले लियो नायक खानो तवई खवाऊंगी
आए पहले लियो नायक खानो तवई खवाऊंगी। अब भैया समझने कान लगी नेताजी हमारे यहां जो रीति है कि पहले नहा लो ताके बाद में खा लो। नेताजी के पान में तो धत्ती निकली गई। बोले वह जो अमर मां की ठंडक ओ बैसू तो दमन करी जा रही है जाड़े कमा चुका कहते नहा लो। नेताजी कहने लगे समझ सुनते हो देखो हमारे पास ना तो अंडरवियर ना स्वापी का पैर के नहाएगा धोतिया भिजाए लेते तो फिर पहरेंगे का। आहा समझ ने बोली नेताजी तुम्हें ना दो पैसा लक्ष्मी। बोले काहे कि अंडरवियर और स्वापी नहीं हो तो नहा नहीं पाओगे। बोले कैसे ले मैं बताऊं तुम अक्कल। आहा कैसे बता रही है भैया अरे के समाधि तुम आओ बेढंगे तुम्हें ना दो पैसा को लक्षण से कहो तुम्हारी अम्मा ने। हाए के समाधि तुम आओ बेढंगे मैं चौका में वही जात के नहा ले है करके नंगे। मैं चौका में वही जात के नहा ले है करके नंगे है। कह लगी समंदी साहब जल्दी कर ले ओ नंगे है क्या नहा लो यहां को है ए, मैं चौका में बैठी जाती हूं। ओ भैया समंदी साहब कहने लगे नेताजी के नहानो ही परे वो ला दो पसों डारी ले सो लाए थी रोटी तो मिल जाएगी और बिन ने धोती कुर्ता नेवी चंद उतार के ढद्दो एक पदना पे ओ भगोना ले गए अंधेरे में खेच गए सो दूर 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 पानी उल्लावन लगे क्यों दिया पे नहीं पजे मरे या झाड़े की मां बैसे। अब भैया बेतो लगे पानी फैलाए लेकिन समझ ने सोची कि आज फंसोगे चक्कर में। चौका में तो उठ के चली आई अंधेरे अंधेरे में लौकी लौकी और का भयो आए समझ ने लौकी लौकी आई समदन दुवकी दुवकी समदन लोकी लोकी आई और धोती कुर्ते ले गई है उठाई। और चौका में बैठ गई जाई आए और चौका में बैठ गई जाई राधे श्याम पप्पू आए सीताराम रे नेता पे बिजुरी परी गई। भैया नेताजी तो लगे भगोना के पानी लावे तो नो समझ ने धोती कुर्ते ले जाए के पे चौका ताप नहीं आ रहा हूं। जब नेताजी नहा धो के फारे के भाई बोली बेचू धोती कुर्ता या धद्दे भी नहीं खुलेगो अंधे की तरह टटोवन लगे। अम्मा हो तो मिले बाकी दीवाले के बगल में बंद रहो को भैंसे को पड़ रहा। नेताजी बोले बहन जो ब्यारे सो गिर परे और जो चवाएगो मैं उस सर बिन ने आओ गिनो न ताओ गिनो भैंसा को मुंह फार के और झट हाथ उड़ा दो भाई टेट भी आनो। बोले बहन जो जी खाएगो अब्बा बेचारे ने खाए हो तो हो अब भैया नहीं मिले तो नेताजी ठुटरे ठुटरे ठाड़े। समंद ने बोली चौका में नेताजी बोले हाँ क्या भाई नहा ना पाए बताओ पूरी बिल्कुल सूखी भई जा रही फिर तुम पर चबेंगी नहीं। नेताजी कहने लगे समंद ने बोले हाँ क्या बात है। बात ये है कि 3-4 रुपया ही रह जगह डरी जेब में से बुकों गिर पड़ी है और मिले हथे ना रही। बोले तो ढूंढ लो कोई बात ना। जब भैया काय को मारे जे गंगा खोए गए थोड़ी देर बाद फिर कही समझ ने काय नेताजी ये पूरी बिल्कुल सूखी जा रही फिर तुम पर चवेंगी नहीं मेरी कोई जिम्मेदारी पेटू नहीं भरो जाओ तुम आओ।
नेताजी कान लगे कैसो करो हमारे कपड़े को ना पतलो बोली कपड़ा बोले हाँ आए तो तुम्हें दी किनारा हो अंधेर हो डट जा कहा बोली भैया एक तवाई सवा दिन बोला जा लागी नेताजी सुनियो वरज हमार अरे घोरा अंधेरो झुको द्वार पे हाथे हाथ दीख तो नाए आए के समाधी तुमको समझाऊं बोली और घोरा अंधेरो झुको के बियो ले करके आऊं आए घोरा अंधेरो झुको के बियो ले करके आऊं भैया कहने लगी समाधि साहब रुके जाओ बड़बड़ा मत मैं दियो लेके आ रही हूँ जो नेताजी ने दियो को नाम सुनो तो नंग धरंगे भूत उड़ा बोले ना 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 दियो मन लगियो हाय हाय काय को हंस रहे यार भगवान ने दियो ले जाएगी उनका छोड़ा नहीं कैसे अब भैया क्या करो कह दिए की सुई ते लेके माने बात ही खींच ली ऊपर को सो बेसा थोड़ा हो जी तो रो लोग काड़ा उठन लगो और लेके चल दी जो नेताजी ने दियो देखो मानी अब बिगड़ गई पूरे खन्नों की जन्म ते कटेगी आहा का भयो भैया एक जो दिया नेता ने देखो नव नेता के सुनो हवाल ए भागो नेता तब घर में ते और द्वारे पे पहुंच गौ आए आए भागत जावे भागत जावे घर की लीनी जन सीधा लगाए चंदो पे घर को रास्ता पकड़गी और रात को डेढ़ बजो मेरे भैया अपने घर पहुंच गौ जाए भैया नंग धरंगो ई धोती कुर्ते छोड़ के भाजो और रात के डेढ़ बजे अपने घरे जाए के लो धीरे धीरे कुंदी खटखटाई अब घरवाई सोरी भीतर धीरे धीरे जो कुंदी खटखटाई घरवाई ने जानी कड़ी खाओ खजला कुत्ता मूड मारो के बारे तो घरवाई के लगे जुबा मज्जा कड़ी खाए कुत्ता नेताजी कहने लगे ले वे जो जाने कुत्ता बनाए दो धीरे सी ने बोले नेताजी मज्जा के बारे खोंदे हो कूना कुत्ता नाने है तो भी निकेसो लगी रहो वो रात को जाकर भिगा को आवते बाहर की ऐसे के बाद नहीं खोले देखे नो शायद भूत तो ना आएगा मैंने कोसो उतर करे चौब तो कही हो करे अब भैया एक कारी सी हड़िया लेके हाथ में वो छत पे चढ़ी मुड़गाई पे जाएगा जो नीचे को निगाह करी सो अंधेरे में तो भूतों से लगी रही चुको नंगे तरंगे ठाड़े जो भूत सो ठाड़ो देखो आए हाय पप्पू गजब का डारो कहा करो ए जोई भूत सो ठाड़ा देखो हरिया दई हमूंद हमें मारे अरे फटिए खोपड़ी नेताजी की बहने लगी खून की धार ओ भैया जो नेताजी के भड़को करो हरिया को तो नेताजी के टूबे लगो तो बड़ा करेगो खोपड़े में फटेगो खोपड़ा वो एकदम धरे लानी के मोहल्ला भाई चलियो भूतन घेर ली भूतन मोहल्ला के बाजे के आए 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 घेरियो नेता ने कब बनो पलस्तर अंधेरे में दी खनो तो ना वो एक एक थप्पड़ मार दो तो हड्डिया ने वो सुरमा बन जाओ नेताजी भाजे मनते पाँव दाबे के भजत जाए और जाए के एक खेत में दुबक गए आहा अब भैया का भयो एक जान बचा के नेता भागे एक खेत में दुबके जाए और भयो सवेरो तब मेरे भैया अब आगे के सुनो हवाल आ
भैया खेत की मेड़ पे रे कुआ नेताजी राय में दुबके पे चुपचाप मरे जाए जाड़े के मैं भगवान ही जाने के बिना के प्राण कहां रहे। अब सवेरो भयो तो नेताजी घर आई और दो चार परोसे ने और पानी भरी भी गई कुआ। पानी जब भर लो बासन खोपड़ी भी रख ले, तुम जानते हो जनीमान से एक बासन बगली में दे लेते हैं ऐसे दे ले चेन्नई। एक कह लगी नेता जी घरवाई थे चोरी जी जी ए नेता जी जी बोले काई हे बहना न्यो बता तू रात छत पे चढ़ के लारी भूत भूत तन देखो भूत। कह लगी आए बहना मैंने बिल्कुल नीचे ठाड़ो देखो बगे मुंडे में हड़िया दई। बोले कैसो बहन हाय बहना नितंग नंगो ओ बड़ो बड़ी पाए ओ न्यो भयो तो भगवान बीच बात बताई नेता जी ने कही जो रात में नहीं पहचानो वो दिन में तो पहचान ही ली। अब भैया नेताजी का खेत में तो निकर के और जो मेड़ पे आए सो एक की निगाह पीछे को चली और जो मेरा भूत डार वासन बेभाजी नेताजी ने की बहन जी हेलो जाऊंगा वो कैसे। अरे यार तुम ज्यादा हंस रहे हो यार अरे कैसे। अब नेताजी कहां पहुंचे भैया बिन्ने सोची क्या वो तो ताल पे चलो हिलो ना पन्नो ना ताल पे गए तो एक धोबिया कपड़ा धोए रहो तो जो दे के खून में लतपता और भी भूत रात जट भैया धोबी बाज को नेताजी ने बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहरे मुड़े ते स्वाबी बांध के पहुंचे अपने घर। जो घर में घुसे दियरी पा दस नेताजी ने बोली कि तुम्हें शर्म थे ने का कल लेके जाएगा तुम वहीं बैठ गए हो जहां भूत ने काल कड्डा रहे सुखते सोबन ना दे रो रात को। नेताजी कहने लगे डट जा जो कम खत नो बता तो वह पुरी और परामटे की पहचान ना आते कि पुरी है का परामटो बोले काय ले देख ले खोपड़ो दिखाओ तो भैया बड़ा सो खिचोड़ रो खोपड़े बिन की चिका चिका रात ते नहीं तो करो जी कि तुम्हें और को वाली में तो भूत जान हो। अब भैया देखिए आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं और कैसे। हाँ तो बंधु को देखिए अब आपको लेके चलते हैं एक और चटकोला आपके सामने। एक दिन भैया और हम प्रोग्राम ते आए रहे और हमारे जी सब संग क्यों रहे क्योंकि हम अकेले तो प्रोग्राम जाते ही ना तो हमने कहा देखो आजकल फैशन को बड़ो दौर खराब हुआ नैमी चंद क्या देखा हमने ए फतियाबाद से समसाबाद को जा रही एक खड़खड़िया सी और को सवारी नाय मिली बम बैठी एक डुकरिया सी को सवारी नाय मिली बम बैठी एक डुकरिया सी भैया यारे फतियावासी और समसाबाद को जा रही है खड़खड़िया तो खड़खड़िया तुम जानते हो ढिचिर पिचिर खड़खड़िया हो जा रही। और भैया बाम एक 80-85 साल की डुकैया बैठी कहां खिनते उक्का में दीखे कानन ते उक्का में सुने तो नो जनता स्कूलों फतेहाबाद आगे बगल में एक फैशन में बॉस उठा रही बॉस अबे बॉस कैसे रहे सुनो ए छींटदार जी अत्ते मधु पहरे बुरसट पहने कोरी सी और बड़े बड़े जक पाल रखे ते लग रहो बिल्कुल छोरी सी अरे बड़े बड़े जक पाल रखे ते लग रहो बिल्कुल छोरी सी है। भैया जो बॉस वांगे दिखाई दे और खड़खड़िया इस तरफ हाथ कदम रोक ले भैया कहां जा रहे हो वो बोलोगे समसाबाद भैया तो हम भी चलेंगे बोले बैठ जा तुमने देखे हो खड़खड़िया के ऊपर भी पटुला से लगे होते बॉस झट टपो ते मधो सकारे के बैठेंगे। अब जो बैठ गए तो डुकैया देख लगी सूपनी लगाए लगाए के पानी की तरफ देखो ना तो बीच गया पानी बुझाने की लड़की है ऊपर की तरफ देखो
तो ना नाक में कछु पहरे। बालक जी तो बहुत बुरी मोड़ी है। आ डुकैया कहा बोली, ए हाथन में ना हरी हरी चुईया पाए नना ने बिछुआ दी, और आए जमाने तो मैं आग लगा दे लग रही बिल्कुल विधवा दी। डुकैया कह लगी हाथ फेर के, बेटा यो बता दे तो पेका लड़का वा होएगा वो क्या हो तक है राण है गई। मोड़ा बोला ओ बुढ़िया तेरी बुद्धि खराब है का, मैं लड़का हूँ लड़का। डुकैया बोली आ जा पे को लड़का है मौजी। कहा बोली डुकैया, ए कदार तो दैया राम ने और जाई पे धीरज धर लियो, और देख जमाने की फैशन कौ बुरे चलन पग मत दियो। अरे देख जमाने की फैशन कौ बुरे चलन पग मत। एक दफा डुकरिया कह लगी, ये बेटा तो राम ने विधवा कर दो लेकिन तो एक लड़का दो है तो हाँ जमानो बहुत बुरो है कौ पुंगन के संग रसगुल्ला में दिखाई को जाइयो। एक लड़का जाकर सबर करियो पाल लियो जवान हो जाओ। लड़का कह लगा डुकैया तेरे खोपड़ो बस्त है जे तेरो तेरो सत्यानाश है जे, मैं आदमी हूँ आदमी। डुकैया कहने लगा तेरी के जाके तो आदमी मौजूद है तो फैशन में ना पे रही चुरी बीछिया। आ डुकैया पुचकाने लगी और कहा बोली, बेटा सुन मैंने तो ते राण कह दो उतने आदमी मौजूद है, हाय तुम्हें आग दे दे तुम्हें जी चुरी बीचिया पे तम का मुड़ कटे तू। लड़का बोलो कि जा भैया ने अच्छो मेरा खोपड़ा खराब कर। कह लगो भैया खड़का दिया भाई रोक ले। बोले काहे मोहताद दे भैया कूद परो खड़कड़िया में डुकरिया हाथ जोड़ के कहा बोलो, ए ऐसे बोलो मत बोले डुकरिया तेरे बोल मोए खा जागे, और तू तो चली जा खड़कड़िया में हम पाए न पाए नया जाने। अरे तू तो चली जा खड़कड़िया में हम पाए न पाए नया जागे। भैया खड़कड़िया वाह ले गो और बॉस वही ठाड़े रह गए। तो भैया ऐसी फैशन ठीक ना है। और देखिए इधर आगे किस्सा और आया आपके लिए मुकेश। एक नौजवान भैया की और जो शादी है, शादी है गई तो एक दिन वो शुगर अपनी ससुराल को जा रहे को कहूं जा रहे यानी रक्षाबंधन को दिन रहे। हम बातें बोलो कि अम्मा। बोले का है बेटा कि तू ऐसा कर मे का कले कर दे तो ला हो ससुराल चलो जो बहुए ले वाला हूँ। अम्मा बोली करी खाओ पोइया तो वैसे हूँ वो जाए का जो मैंने पूरा के कची अच्छी चीज कर दई तो मही तो मत जाओ खाए के लौट जा जाए का ऐसी चीज बनाऊ तो निभटे नहीं। आय आय अम्मा बड़ी चाला करे बहुत चतुर का करो। ए सोच समझ के मैया ने एक कूलरी लई उठाई है, और आज बेटा को मैया ने घी शक्कर धरो मिलाई है। कह लगी ले बेटा जा ले जा लेकिन एक बात को ध्यान रखिए। बोले काम जब कूलर है मत फोड़ दिए तेरे बाबा के हाथ को कूलर है सती में ते लाए जाते बाबा, और जो कूलर आ फूटेगा तो तेरो हिल्लो ना घर में नहीं रहने दूंगी मैं। बोला वाह 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 मामा नहीं फोरे हूँ चंदो लेके कूलर आए जब गाँव में बाहर निकलेगो देखो तो वहाँ घी की खसबो आई मेरी बारी अम्मा ऐसी हो इस गन्ने की अम्मा देख ले कैसा बढ़िया माल बनाओ और झट चाट वो शुरू कर दो। ये कहूंगा ये चाट 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 कोस खाड़ पड़ेगो तो बजट निबटेगो कि अब हम तरे में रहेगो तो मन तक हाथों नहीं पहुंचे। मान की बहन जो मन मान ना रहो पानी मोह में भरे भरे आवत में वो जानो हाथों ना पहुंचे ला जब रही थे हाथ को सेड़ तो हूँ तो जहाँ राम करे सो ओए करो का भैया। ए सोचा समझी करी नहीं
जाने कोत को एक रचाए लो और जबरदस्त से बेवकूफन हाथ कूलर में ठूस दो भैया जबर इते हाथ ठूस दो अब इतने तो हाथ कैसे उछलोगो लेकिन अब तुम जानते हो बीतते हाथ उन्हें करे नहीं रगड़ा रगड़ी करी हाथ सूझेगो अब सोच लगो कि कूलर फोतो तो अम्मा मारेगी और ससुरारे को जाए रो सूदो हाथ कूलर हम फसो भरी तो है लेकिन काकरवा ने तोलिया लपेड़ के हाथ पल्लो पीछे एक हाथ हलावत हलावत भाई ससुरार पहुंच आगे ही मिल गए ससुर जे भाई बटत बोले अरे मेहमान आ रहे बोले लल्लू राम राम डे आते माथे बधरे के लो राम राम सा ससुर बोलो इंज पोई रो डेड़े आते तो राम राम करो जाए लच्छ नहीं आ बेटी आओ सारे ने करके आए बोले जी जा जी राम 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 रे सालों के लो इंज पोई रो पक्को बैठ गए चार पाई बिछाई दी रोटी पानी भाई सालों आया बोले जी जा जी चलो खाना खा लो मुझे भूख ना लगी थोड़ा बहुत करने कहूँ अब खाना तो खाए सूदो आते तो बाको फसो बा ससुर आए बोले लला रोटी खा लो कि ना ना मुझे भूख ना लगी तो क्या हमें खा लें हाँ के तुम खाओ जाओ आ बे बाप बेटा तो खानो खाए लग गए घर में ओ लड़की ने गुप्ता जी सोची के ब्राह्मण ब्याह है के तो अब आयो सू रोटी ना खा रो जाना काय को बकरो बैठो मैंने की द्वार आए लड़की आई तू देख तो नीचे को मोह लटकाए बैठे बंदर का तो लड़की ने एक हाथी माथे में दही के काय मौदू बोले काय आ हा क्या कहने लगी लड़की ए जी काहे कु नाराज भय मेरा भैया आयो मनावे कु और बबुला के कहने ते बर गयो गयो न खाना खाए कु आए बबुला के कहवे ते बर गयो गयो न खानो खाए कु लड़की कह लगी यो बताओ काहे को नाराज हो तुम कहा बात है चो ना खानो खाए बजा बोलो मत जाओ काहे को नाराज ना अल्लाह मत करे मारी तो बात का है कि देख सूदो हाथ तो फसो जा कूलरा में बता डेढ़े हाथ मोह खाना आवत है वो का पाए ते रोटी खाए लो लड़की कह लगी जा मैं कहा है तोलिया में एक तोलिया फोलिया का चूना रहा प्राण ने को लेवा कूलर अलाव घत्ते वहां में घी करे के सुजा में फंसेगा वो हाथ तो कोई मज्जा कड़ी खाए जा कूलर है फोद दे के मत्य का मज्जा आंगो बेसक पर कूलर है नहीं फोरे हूँ हाँ हाँ बड़ी यार तुम्हें हंसी आ रही बेकार काम कर रही सुनो पहले यार बोले लड़की के देख कूलर चौना फोरो के अम्मा ने ना ही कर दजिए कूलर है नहीं फोरे हूँ चाहे भूखो बेसक मत जाऊ लड़की बोली है तो वो सत्यानाश अब भाई मैंने सास कोई देरी ना देखी उज्जे ब्राह्मण मरे बैठो लड़की बोली सुन मैं यहाँ कुमार बहुत है मैं तो जाऊँ तो बढ़िया कूलर ला के सवेरे दे देऊंगी और जाए फोद दे चो मरे फिर रहो भूलो को तू जो बता कहाँ फूर हो जाए बा ने कही देर से ही तू घर में आवे वो कहीं घुस के तो बगल में किवाने के में मोरी है माए वो पत्थर को गुड़ रहो खूंटा और खूब ऊंच हो चिलक रहा हो वो अंधेरे में दिख जाओ धीरे सीने भाई वो चटकाए दिए और मैं तो कहा थारी पसंद आ जावे लड़की तो भैया कह के चली गई ओ मेहमान सिंह भाई ठाड़े जो घर में को गए तोनो बिन के ससुरो आए बैठे पटिया पेशाब करे भी आहा ससुर की चांद रह गई छिली सी बेमूत रहे भाई नीचे को मुड़ करे के आहा तोनो मेहमान सिंह पहुंच गए ओ आओ गिनो ना ताओ देखा भारी कछु करी नहीं काकड़ारो ए देखा भारी करी नहीं जन नहीं भावई जोड़ दई और खूंटा समझ डोकरा की जन चांद को लई अरे खूंटा समझ डोकरा की जन चांद को लरिया फोर दई है
भैया जो कूलरा को धमको भोतर व्या पर बूढ़ो डोकरा जीव कड़ेगी डोकरा फैले गो बनी मरे गो बेटा तो जिके रो कुंता जी तो इल्ला तू है आ भैया एकदम मही ते दाब पाव लौटिया हुआ है कि भाई खाटा बैठे गो अब धकर पकड़े हेरी की जो कुंता कैसे इल्ला नो पत्थर को कुंता जितो है जो बुरो है वो लड़की लड़का भाजे में की दादा का है वो दादा की जीभ स्याप गई थी कड़ी डरी बोले दादा बोले दादा का है वो दादा लेकिन दादा के उतर कहा लड़की टटोवन लगी मैंने दादा लगते को खाए यार हंस रहे हो तुम और बाँ के हाथों में लड़की में कहा परे को ए लड़की तब तक देख रही जके हाथ ठी पूरी पर गई है कूलरा को किनाटो पर गो लड़की सोच लगी मारे गो ब्राह्मणों में दादा है लड़की तब तक देख रही जके हाथ ठी पूरी पर गई है दोनों डोकरे आएगा होश गुप्ता जी डोकर आके टिमटमाए कहा बोलो और डोकरा तो नो कहना लगो बिना बात भी जुड़ी पर गई है डोकरा तो नो कहना लगो बिना बात भी जुड़ी पर गई है भैया डोकरा तभी उठा के ले गए मेहमान सिंह अंधेरे में घर को आए चौंक बहुत बड़ी गलती है गई और आ गए भैया फिर एक किस्सा तुम्हें देखो कैसे के दो यार रहे दो यार तो बड़ो भाई गहरो यारानो एक रहे बिचाओ गरीब मोबारो और एक रहे पैसा वारो तो नौ देवी ने के दिन आए गए माने के चंद और वो पैसा वा बोलो के सुन तो अरे बोले का है कि यार ऐसो करे चलो करौली चंद देवी पस्या बहाने की वेट जो तो परी है देवी पसवे की और मोए पूछे लामनी करके लावतो रोज और रोज पीट कुटाई करके बच्चन को पेटो भर रहा सही कहा भैया बहाने की के तो का चंजन जो बता कहा ले गो मां देवी पे जाए कहा मांगे वो गरीब दास बोले के सुने मोए का चंजे जा दुनिया में द्वे बड़े और दामोदर और दाम दामोदर बैठे रहे सो दाम करे शिव मोह चंजे दाम देवी बेवी मोह नाची लग रही को बान गई तो तू ऐसो करे तू मे संग चले और देवी के मंदिर में घुस जाइये तो चंजे ते तो दाम ले आइये बानी आए हाँ तेईस और आप तो भैया चले वो चले सवेरे ही गए भैया और कहां तक कहो कि दो यार और देवी के मंदिर पे पहुंच गए तो बुतो लगो पे दर्शन करवे बारी जय हो केला देवी की और बाको लग गो दाव सो झट्टे के सिपाही की टांगने के नीचे कड़े के फट मंदिर में जाजे में भरे दाम जाजे में भरी ऊपरी में भरे कजू मुठने में दबा और लेके चक्क कड़े आओ वो भाजवान नहीं देखो यार प्यार को कहां है अब तो भाई आदम पैसा पड़ेगा आए के घरे और जनी मांस गांगा जो भी दाम कुरे आए हाँ जनी मांस फूल के टूड़ी लाओ इट्टे सुनो बने गई बने हाँ तुम जानते हो नंगे मिंजे पीतरे हो के बाद धरे के भीतर है गरवाई बोली कि न्यो बताओ जी दाम तुम कंदिलाए हो ये भी नहीं मार जा देवी दही है तो तुम ऐसा करो कि तुम्हारे घर में तबते हूँ आज यू तब ते बाप जन्म कहूँ मैंने घी दूध मठा खिन सोना देखो अब दाम घर को है नहीं हो तो एक भैंसे ले लो माने ठीक है तो कल लिवा जाएंगे हम पप्पू ढुल के आए बुना के जान दो भैंसे पहुंचने में लिपवा लाएंगे जट भैया एक भैंस ले आए घरवाई बोली के जाको ना ले देवी लिपवाई देवी डल लो जट भैंसे को ना डल लो बिना देवी अब आठ पंद्रह दिन पीछे और वो ब्यानी देवी सुबह ना डारो पड़ रहा बोलो के जाको ना के जाको ना लांगोरा डल लो अब तो भैया दूध पिए मस्त रहे अब तुम जानते हो का हमारे यहाँ चुगले ने कोई पारू ना एक चुगल गए और जाके देवी मैया के सामने पहुंचे बोली ओरी मैया तू तो बहुत अन्याय नहीं गई
एक कुत्ते बतासे बांटे वो भूंजे तो तू वहां के फोड़ा रहे कहूगे फुली कद दे कहूगे मोटेड़ो कद दे कहूगे खोर कद दे कहूगी भैंसे लताए दे ओ बे दाम लेगा वो चुराए के तेज अंते उत्तर रही तरह दूध पी रहे दो आदि बिन्त तेने कछु ना कही सोई देवी के एकदम दिमाग घूमे गो माने ए लांगुरा बोले का है मैया इधर आ का बोली लांगुर ते देवी केला मैया का कह रही है अरे लांगुरा दौड़ो ही दौड़ो जाइयो ए लांगुरा दौड़ो ही दौड़ो जाइयो और बाकी भैंस छोड़ ले आइयो का भयो अरे लांगुर दौड़ो ही दौड़ो आयो और दरबाज और बंद जाए पायो जन धीरे धीरे कुंदी खटकाई जग तो नार चतुरती पाई भैया लांगुरिया ने जो दरवाजो खटखटाओ तो बाहर पोरी में ही वे बंद रहे देवी लांगुरा दोनों ओबे सो रहे नगर भीतर को खट खट भाई सोई एकदम बोलो कैरी देखिए जी दरवाजों को खटखटा रहा बेंजो तेरी रात में एकदम और जनी मानसी की जाते बड़ी आलस पत्ती है वो बोली के सुनता हूँ मोह तो जी लगती है कि आज लंगुरिया को जेवरा का जो कमजोर रस हो सो बरामन और लंगुरिया मरेगो और वो जेवरा टोरे के बेई के बाद तो मूड मार रहा हुआ है लंगुरिया बोले हम और प्याज वगैरह बेटी चौदह सवेरे आज से दूध ज्यादा तो ना ही करी के जा बिल्कुल लंगुरिया दूध मंद ओके ला लठिया साकल ला बेटी चौदह भाई बानो लंगुरिया छक्का छूट गई द्वार पे बिल्कुल ये तो सगुनिया है रे भिन्ने तो माले मुंह कर ली के लंगुरिया के बार खटखटा रहा आहा भैया लंगुरिया भाजो सो बहर आगे देवी के मंदिर में गिरो बनी ओरी पनवेसुरी बेहू तो ना तो बेहन जो सा कत्ते हो तो बांध लो हो तो मैंने कहा है कि बाहर ते के बार खटखटाए वे सगुनिया है एक काय को बकरा होगा तेई सूरी मैया तो कह चल मैं चंती हूं अब देवी तो है पिछवारे आ गए ठाड़ी और लांगो ते गई जा खटखटा के बार जो के बार खटखटाए वो बोलो को यारी देखियो अब की कजू तगड़ो सो आटो है रहो के बांधने पे कुए वो बोली के सुन तो मोजो लगती है के मेरी सोत देवी मर गई बाने खूंटा खींच लो जो तगड़ो आटो तो बुई मूड़ दे मार रही हुई के बांधने बान की अच्छी तेने भावी करवा ली अरे ऐसो करे ला लठिया लाए कर जा देवी कई खोपड़े फान ना दे वो देवी पीछे सुन नहीं माने ठीक कह तो लंगुरिया नंबर तैयार ही है बिन के पास एक लड़की और रहे बाप और वो बोली के सुनता मुंह पे लड़की सोई रही है छाती पे और तुम इन्हें का मत मान सुनो ले लो लठिया और मैं नहीं सोते बांधो इले सो देवी के बान की तेने बड़ी आफत करी का बोलो पई घरवाई पे तू नारे बड़ी फूबरी है पिछा बारे फेंक भूबरी है तू नारे बड़ी फूबरी है पिछा बारे फेंक भूबरी है भैया पिछवारे ठाड़ी देवी जो नाव लो के भूबरे पिछवारे फेंक दे देवी ने कोई अम्बो बताती ताती भूबरे वो लीजिए आहा का देवी मई के बाद डर लगी कह लगी ओ लंगुरिया भाज देवी लांगुर भाज संग अपनी मती गिर बेराई देवी लांगुर भाज संग अपनी मती गिर बेराई और भैया तुमने देखा होगा कुछ हमारे बुजुर्ग कहते हैं हम नहीं कह रहे हैं क्या जो कहते कि भगवान से भगवान कौन ते हारो है पता हो तुम्हें एक सबर सी गया तब कहते सुनिए सो बचन हमारो है और मान का चंद सुनो भैया नंगा ते खुदा उहारो है आ
अरे मानक चंद सुनो भैया नंगा के खुदा उहारो है। भैया आप जानते हो कि नंगा थे भगवानू तो हारे गो तो बे तो देवी लाऊ रहा है। अब भाज के पई मठी में पहुंचे। अब भैया आगे चलते हैं आपको लेकर के। और कहां आहा मानसिंह भैया एक गांव में और एक रड़ुआ रहे रड़ुआ तो तुम जानते हो रड़ुआ ने की तो भैया विचित्र माया होती है। रड़ुआ जब गांव में निकरे वो करे तो लोग बागन ने बाको नाव धल्लो लुच्चा तो बात कह बकर कहो लुच्चू कहो लुच्चू कहां जा रहे हो। एक दिन आई औरत और अपने दरवाजे में बैठी रड़ुआ जा रो ने करे तो लुगाई बोली के काय लुच्चू कहां जा रहे हो। लुच्चे में जो बड़ी बुरी लगी लुच्चा ने की मेयो से गांव ने नाव बिगाड़ डारो। लुच्चा बोलो कहू ना जा रो लुच्ची बारे जनीमांस ने सोची कि भैन जो जाने मेयो नाव बिगाड़ डारो। पर के लुच्चा मऊ ते औरत कहते हैं ते चान में लीतर एक ही डलिया दिबाऊंगी काउ दिना। अब भैया बाको तो ना परे वो लुच्ची और बाको ना परे वो लुच्चा आहा। एक दिना मुकेश एक दिना लुच्ची आई कुआ पानी भर गई। लुच्चू झट बांटी लेके पहुंच गए बोले भाभी बोले हाँ लुच्चू कहो आहा हमारी लेज टूट गई भाभी तो एक बांटी हमें नहीं बल्लन दे। लुच्ची का बोली आए लुच्चू देख लो ले जो बड़ी का बात है और सब कुछ कर दूं तेरे लिए। लुच्चा मत घबराए जान हाजिर है तेरे लिए। ए लुच्चू तुम्हारे का तो जाने आज और ले चुकी तो चंत का है। लुच्चा बोलो साझी कह रही है ए तुम्हारी सो तो पानी फानी जान देती ऐसी तैसी मोजो बता बहुत कवे लगे जागो बोले बतराए देखो। लुच्ची कहने लगी सुन तो तुम रात को 9 बजे हो मैं पिछवाड़ आ जाइयो और ईंट ठोकियो भीत में ईंट सुई हो समझ जाऊंगी सारो सुई आ जाऊंगी। लुच्चा के अब दिनों में हड़प नहीं करेंगे कवर आते हुई का लेकिन भयो का जब रात के 9 बजे धीरे धीरे सोई लुच्चा पहुंच गई पिछवार सो ईंट लेके पक्की और देवा की भीत में धम 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 लुच्चा जुरो आंखे नीच के। लुच्ची ने धम धम सुन ली पानी हवा आएगा। अब ये आदमी थे कहने लगी कहा बोली सुन तो नेक जजियो पिछवार लठिया ले जाओ और जो कोज रो है कि मोह लगाते चोटा कूद के मन में घर में जाओ जल्दी। सो लुच्चा को आदमी कारी लठिया नहीं झाग फेंक रही लेके हाथों को धर भाई तो जाकर पिछवार पहुंचे कोरे लुच्चा मारे की हो लुच्चा अरे क्या कर रहा हूं मत जा चिलम में कांकर डारे मट्टी खोद रहा हूँ। कभी तो नहीं मिली मट्टी ऐसा कर रहे तो ये तराज हो तो अंत तो जाए खोदेंगे। अब भैया दूसरे दिन दिन में फिर मिली लुच्ची पानी बत्ती मारे का लुच्ची तू बड़ी खराब हुए बहन जो रात की तेरे में नगर सेन से पूजे वायदा हो तो तुम आई जाओ लुच्चू मैं ना भेजो बाकी खाए दम दम सुने पड़ेगी सुन तो क्या बस सुने आज कहीं होते हो बहुत बना के छोड़ेंगे मानी कैसे कि हमारे घेरे में गंजिया बनती है बोले आओ तो तुम महाज जो कहीं 9-10 बजे ओके घेरे में आए कूदी हो गंजिया बड़ा बड़ा के ठाड़ी होंगी सोई मुझे मालूम पच जाई सोई वहां जाऊंगी मानी आओ तो आज खाली नहीं चोट कर जाए नहीं तुम्हारी तो कैसे हो नहीं तो जट भैया रात के 9-10 बजे सोई लुच्चू जट पदना बदे धम घेरा में सो कूदो सोई गंजिया बड़ा बड़ा के ठाड़ी भाई लुच्ची मालूम पड़ेगी। लुच्ची बोली अब आदमी तो सुन तो लट्ठू लेके जाओ घेरा में कूकू दे पड़ो भारी कूकू दे पड़ो देखो गंजा बड़बड़ाएंगी सिगरी। सो भैया वो भाजो लठिया लेकर सो बार द्वार में जाकर ठाड़ो है वो लठिया ठोक के बोलो कुआ की निकलिया बाहर आज भी जिये तक कर जाओ तुम ऊपर कुआ रे
बार की ओ लुच्चा एर की बेंच तू जम का कर रहा हूं एक मज्जा बिस पे तो पास हो सुख पीरी गजे दौलत आऊ यार कई बहन चो तो नहीं मिली पीरी गजा करेंद भैया तू इतरा जो तू और जाए खवांगू नहीं खवांगू खाऊंगा बच्चू आ भैया दूसरा दिन आ भयो तीसरा तो लुच्ची फिर मिली कुआ पानी वत बाने कही सुन ले लुच्ची ते दो दिन हो देखत है वो तेना दो दिन में वो भजिए ते करवाएगी की सीमा दे दजिए तू यो बता प्यार कत्ते मोते एक बैसे ही में जो मरवाए फिर रजिए बान की देख लू तुम्हें धोखा देंगी यो तो कही अब क्या जो रात को हो तुम्हें द्वार पे कही सोबत मिलेंगी लाल रजाई जोड़े और तुम बे खटक चार बजे आ जाओ सवेरे बान की गंगा ही सो के गंगा दुआई भाई ठीक है तो भैया लुच्चा चलो पे घर को और बान पे आदमी सो कही के सुन तो और रोज आदमी आवा तो गांव में नुकसान हो जाओ भैया भैया ने छोले को पोई दूपन ने तुम द्वारा पे सो जाएगा करो कही तो ठीक है आते हो द्वारा पे सो जाओ तो भैया वहां को आदमी बिछाए खाट द्वारा पे और लाल रजाई ओढ़े और लट्ठ नीचे धरे के अपन तन आए पास में लुच्चा आए चार बजे देखो तो मेरी बहन जो लुच्ची वायदा की तो पक्की ये देख ले लाल रजाई ओढ़े तजिया सुन मार की जो जगाऊ कितने सुबह ने पाँच तन ते होगा कि रजाई खोले के और दो अंगूठा पकड़ के और लुच्ची धरे खेची सो एकदम लुच्ची खेची वाले कौन बाने कही कहो लुच्चा अरे कि तुझा कैसे आओ एक बजा पर अभी पर ये सिख घाम गंगा जी को जा रहा वो तू दवादार चार बजे सो रहा वो जग जाए यार चले तू क्या होना जाता खाऊगी पर अभी में क्या मज्जा मोड़ी के ना जाते घर रहे गांव के ना बच्चे को अब लुच्ची मिली वाणी कौ लुच्ची आई वाणी कह लुच्चा का कह रही है वो लुच्ची लुच्चा दोनों एक तबाई लुच्चा बोल डला गाँयो लुच्ची ते दयो जवाब अरे तेरे अंता में नहीं आवे वो कितने हुले तू जतन बनाए अरे तेरे अंता में नहीं आवे वो हो कितने हुले तू जतन बनाए भैया और देखिए एक दिन भैया हम आ रहे दिल्ली थे तो हमने कहा देखो पप्पू एक सीट पे एक डुकैया बैठी और बूढ़ी बड़ी रहे बेचारी तुम जानते हो गांव में बहुत सी औरतें बीड़ी पीते हैं कोई चिलम में तमाकू धर के पीती है तो बाप एक छोटी सी चिनवर है अपनी जेब में धरे और एक सीट बगल में खाली रहे तो भाई सीट पे जाके एक बॉस स्टूडेंट जाके बैठे अब ने बैठ दी बैठ तो झट कमांडर फिंटर की सिगरेट जलाए ली जलाए के और सूता मारन लगे धीरे धीरे अब्बा में फूल बनेगा सो मैंने झट चुकटी लगाई दी तो डुकैया ऊपर गिर पर वो फूल अब बेचारी देहाती डुकैया एकदम बोली गए बोरा का कत्तुअरे नहीं जा उड़न लत्तन बराबर है वो बॉस कहने लगे कि अम्मा सॉरी फिर अपन बैठ गए चुपचाप ए बान एक सूता फिर मारो ओ बान फिर चुकटी लगा दी तुझे टप्पूल फिर डुकजिया ऊपर एक दो डुकजिया कहने लगी कह रे मोड़ा बाबा चौदह है तू मैं साया पाए दुगती बहुत दिन बनाए फिर रहा हो अरे मैंने कही माता जी सॉरी 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 ठीक है फिर चंद आगे को गाड़ी चलती आ रही ए बाना एक सूता करो करके फिर मारो सो झट डुकैया फिर चुकटी लगा दी फिर कूद बान के अरे मोड़ा तू मानो नहीं कर क्या रहा मेरे कपड़ा लत्ता बच जाएंगे बान की माता जी सॉरी बान की तू ऐसे नहीं माने वो सो डुकैया ने भैया कहा करो कि अपनी झट तसीने वो चिलम निकाल ली और चिलम निकाल के पप्पू और बाने अपनी तमाकू तमाकू भीड़ के और झट चिलम में धल ली और दिया सराई ते जेवरी में गांठ लगाए के
अब बस भराए कहवाना झट वो जेवरी को एक बिंडासो चिलम में धल लो और चिलम में सूता मार और दुकरिया ने बड़ी जो सूता मार के वो फू जो कर दई तो झट वहां पे उड़ के वो तमाकू वो बोस के कोट पैंट पे मैंने कहा बुढ़िया क्या कर रही है तो कहिया बोली सोरा बेटा सोरा 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 करती है मेरे सब कपड़े जला दिए तो बेटा तब तो तू सॉरी सॉरी कर रहा तो मैं सोरा एक बार कह दी तो पाए भैया से कोट पेंट बरा दे डुकैया सोरा कह के भाई चिलम में धरे के और दूर भाई और भैया क्या हुआ के देखिए एक दिन एक बॉस मिले हमें और बॉस कहां मिले यानी सुकवा तो वे बड़े बूढ़े से एक डोकरा और बिन के आगे जा रहे सो बॉस रहे पीकट बिन्ने की बहन चो जी तो कोई अच्छो आदमी है जाते पूछ लो बोले भाई साहब भाई साहब भाई साहब बोले क्या है क्या आप जी बताओ जूता कहां बिकते हैं या जूता बोला मोरा पता मारे चले बहन चो अब बैस ही एक आगे जाके मिलेगी बिना लड़की लड़की फैशन में रहे पेंट शर्ट डोकरा झट लड़की को कबड्डो पकड़ लो कहने लगो भाई साहब ये जूता का लड़की कहने लगी के शट अप एक कदम के लोगों को बेंचो सात सात तमीज नहीं है लड़की ने कही मान की सात तमीज पहरे के आऊ तब बेंचो जूता मिले दो करा पे घर को आयो लौट के घरे पूछी काय दादा पहरे आओ चप्पल नहीं मारी बहन जो सात कमीज बनवाऊ लेकर तब मिलेंगे जूता चप्पल और भैया मेरा किस्सा यही एंड होता है और ये हमारे किस्सों का प्रोग्राम आप